नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं एक न्यूज जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यूज जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम इसी तरीके से जो भी नया वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जानकारी देख लीजिए। जानकारी है दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि संविदा वर्ग एक और दो जो कि नियमित भर्ती है, उसके संबंध में जानकारी है। क्या वो रिजल्ट करीब एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, रिजल्ट आए हुए, और साथ ही यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं है, यहाँ पर काउंसलिंग का ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो आज हम जानेंगे किस कारण से ये काउंसलिंग रुकी हुई है, कब होगी आपकी काउंसलिंग, किन कारणों से ये काउंसलिंग की प्रक्रिया रुकी हुई है, और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रुकी हुई है, ये प्रक्रिया क्यों हो रहा है इतना लेट। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पूरी जानकारी। जानकारियां बने रहिए लास्ट तक, हम आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होगी, अब कब होगी और क्यों, सारी जानकारी डाउट करेंगे हम क्लियर। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो कि कैंडिडेट बिलोंग करते हैं EWS से, तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर होगा बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा EWS कैंडिडेट के लिए। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं, ये कल की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं कल मॉर्निंग में है ये, दैनिक भास्कर 13 दिसंबर 2019 के 10वें नंबर के पेज की ये जानकारी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं, संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के कारण देरी, अब नए सिरे से बनेगी मेरिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब जो EWS कैंडिडेट हैं उनके साथ ही आपकी बनेगी न्यू मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट, यदि आप कैंडिडेट जो हैं जनरल से, उन्होंने EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो फटाफट अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि होने वाला है इसमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक फ़ायदा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं नॉर्मल में जानकारी देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रिपोर्ट में जानकारी देख लीजिए। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र के लिए अभी कम से कम 2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। यह देरी आर्थिक रूप से कमजोर EWS के आरक्षण के कारण होगी। नए आरक्षण के कारण क्वालिफाई कर चुके, दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, क्वालिफाई कर चुके चयनित उम्मीदवारों से आय संबंधित दस्तावेज बुलाए जाएंगे, इसके बाद नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर EWS कैंडिडेट जो कि है जनरल से, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले आपसे मंगाए जाएंगे, साथ ही ऑप्शन भरवाया जाएगा कि यदि आप EWS का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो वो कराया जाएगा, इसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, अलग से मेरिट लिस्ट आएगी। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट अभी तक पिछला प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है, वो आप निकलवा के रख लीजिए, हो सकता है यहाँ पर आपके लिए कोई गड़बड़ी संबंधित समस्या आए, तो आप इसको अपने पास सुरक्षित रखें। पहले से बात करते हैं, इसके आगे दस्तावेज बुलाए जाएंगे, इसके बाद नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने 26 को एक शिक्षकों को एक साथ पदस्थापना देने की तैयार की थी, इस स्थिति में काउंसलिंग प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन अब तक कैबिनेट से ही नए आरक्षण नियम को लागू करने की मंजूरी नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, अभी कैबिनेट से यहाँ पर कोई भी जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, मंजूरी नहीं दी है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 18 में प्रदेश भर में 2,40,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स 90 रखे गए थे। जनरल कैंडिडेट के लिए 16 विषय में से 15 विषयों के परिणाम 28 अगस्त को जारी थे, जबकि अंग्रेजी पेपर का 29 सितंबर को दोबारा आयोजित किया गया था, इसका परिणाम 29 नवंबर को आया था। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB ने पहले के नियम के अनुसार परीक्षा आयोजित की थी, इसमें कमजोर वर्ग के आरक्षण का कॉलम नहीं था, ऐसे में PEB के पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों का डाटा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले जो फॉर्म भरे गए थे वो फॉर्म भरे गए थे 2018 में, लेकिन इसका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आया था 19 में। और यहाँ पर दोस्तों, आपका जो EWS सर्टिफिकेट की जो आरक्षण लागू हुआ है मध्य प्रदेश में, वो शायद 2 से 5 जुलाई के बीच में लागू हुआ है, तो इस कारण से आपका सभी गड़बड़ा गया है काउंसलिंग का यहाँ प्रक्रिया। तो चलिए दोस्तों, बाकी देख लेते हैं इसमें जानकारी में, देख लीजिए आगे क्या। कैबिनेट की मंजूरी के बाद उम्मीदवारों से लिए
लेंगे आय संबंधी दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपसे इनकम सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मंगाया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने क्वालिफाई उम्मीदवारों को 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरने और दस्तावेजों का सत्यापन 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक करने का कहा था, लेकिन इसके बाद 26 जनवरी तक उनकी ज्वाइनिंग देना तय किया था। हालांकि लोक शिक्षण शिक्षण अपने लक्ष्य से एक भी काम समय पर नहीं कर पाया है। अब ईडब्ल्यूएस के कारण इन्हें दोबारा से पूरी कवायद करना पड़ रही है। इससे सबसे पहले इस पूरे प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूर कराना होगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों से आय संबंधित दस्तावेज लेना होंगे। इसके बाद दोबारा से मेरिट लिस्ट तैयार होगी। जानकारों की माने तो आज भी अगर कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो प्रक्रिया कंप्लीट होने में करीब 2 महीने का समय जरूर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर, देख लीजिए एक और टॉपिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा के साथ माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 में करीब 5.5 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। उनके भी आय संबंधी दस्तावेज नहीं है। ऐसे में विभाग का यह फैसला नहीं कर पा रहा है कि दोनों परीक्षा में क्वालिफाई उम्मीदवारों को एक साथ आय प्रमाण पत्र मंगाए जाएं या फिर सभी अभी सिर्फ उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के मंगाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पीबी के मुख्य परीक्षा नियंत्रक के एस के भदौरिया जी ने कहा है कि हमने पहले से नियम अनुसार ही परीक्षा ली थी, रिजल्ट समेत पूरा डाटा लोक शिक्षण को दिया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने से इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं लिए गए थे। अब अगर यह लागू होता है तो पहले उम्मीदवार उनके आय संबंधी दस्तावेज लेने होंगे, इसके बाद ही दोबारा से क्वालिफाइंग कर चुके उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार होगी। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। आपको अब करना पड़ेगा करीब कम से कम 2 महीने का इंतजार। इसके पहले आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आज संबंधित सभी जानकारी अपडेट कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि जब भी आपका अपडेट का आएगा ईडब्ल्यूएस का, हम आपके लिए जरूर बताएंगे सबसे पहले। दोस्तों आप मुझे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो @JDComputer, वहाँ भी मैं सबसे पहले जानकारी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।